दसवीं ब्लेंड स्ट्रक्चर इज क्यूबिक, हमें क्यूबिक अरेंजमेंट गिवन है, दैट इज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल. द यूनिट सेल मे बी डिस्क्राइब एज ए फेस सेंटर्ड सल्फाइड आयन लैटिस विद जिंक आयन इन द टेट्राहेड्रल वॉल. देखो फेस सेंटर्ड पे सल्फाइड आयन लैटिस है, दैट इज जो लैटिस पॉइंट्स हैं हमारे वो हमारे सल्फाइड आयन से ऑक्यूपाइड है, एंड जो जिंक आयन है वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है. तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? नियरेस्ट नेबर्स ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आर 4, क्योंकि जिंक टू पॉजिटिव हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, तो इसके अराउंड 4 एटम कुछ इस तरह से ऑक्यूपाई होंगे, दैट इज 3 एटम इस तरह एंड एक उसके ऊपर. और इस जो वॉइड में जिंक टू पॉजिटिव प्रेजेंट है तो इसके जो नियरेस्ट नेबर है वो 1, 2, 3, 4 एटम्स ही हुए. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द एंगल मेड बाय द लाइंस कनेक्टिंग एनी जिंक टू पॉजिटिव टू एनी टू ऑफ इट्स नेबर इज 109°28". देखो अब यहाँ पे जो ये एटम्स से हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की एंगल इक्विवेलेंट होती है 109 डिग्री के. सो दिस इज अगेन राइट. द नियरेस्ट नेबर ऑफ S-2-R4. लुक अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि फेस सेंटर पे हमारे सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, सो कॉर्नर पे हमारे 4 एटम्स है एंड देन फेस पे 1 एटम है, तो इसके भी जो नियरेस्ट हैं वो 4 ही होंगे. ठीक है, तो इट इज अगेन राइट. इट इज रॉन्ग, जो नियरेस्ट नेबर है वो 4 होंगे ना कि 8. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर.